were here. कर ले ready? पूजा जी यहाँ पे काफी celebrities आ चुके हैं और आज आप भी आए हो audience के साथ interact करने के लिए क्या special है इस बार? जी special तो कुछ नहीं है special तो ये है कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे worthy सोचा कि मेरी journey जो है एक journey है जो I think लोग उससे कुछ शायद ले जाएं वापस and मैं तो ये मानती हूँ कि जब ये आप audience के साथ interact करते हैं और दिल से बात कहते हैं तो फिर लोगों के दिल तक वो बात पहुँचती है अगर आप मुंह से लफ्ज़ बोलते हैं तो फिर लोगों के कान तक पहुँचती है तो मैं जो हूँ मैं अपने बाप की बेटी हूँ और हमें आता ही नहीं है कि सिर्फ मुँह से लफ्ज़ कहना तो आई हैव जस्ट कम टू शेयर माई जर्नी और मैं मुझे लगता है कि जब भी आप अपने जर्नी को शेयर करते हैं लोगों के साथ में आप अपने आपके बारे में कुछ और सीखते हैं तो ये यहाँ पे सिर्फ मैं कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ मैं कुछ लेने आई हूँ मैं ये सीखने आई हूँ कि ऑडियंस भी मुझे कैसे परसीव करता है और सवाल जो हैं किस कैलिबर के हैं बिकॉज एक सवाल जो होते हैं वो द पर्सन हु पोजेस द क्वेश्चन उनके बारे में बहुत कुछ कहता है इट सेज मोर अबाउट द क्वेश्चन रिवील्स द पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन मोर देन द पर्सन हु इज बीइंग डायरेक्टेड एट जागरण की बात करें तो ऐसे सिनेमाज दिखाए जाते हैं कि सिनेमा अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप एक फिल्म मेकर हो क्या कहेंगे कि अगर अभी का सिनेमा और पहले का सिनेमा तो अभी का सिनेमा बनाने के लिए क्या ये फिल्में देखना जरूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए आई थिंक कि आज का जो दौर है इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर फिल्म मेकर्स टू जब मैंने अपनी पहली फिल्म तमन्ना बनाई थी जब मैं 21 साल की थी ऐसे मल्टीप्लेक्सेस थे नहीं ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे नहीं मुझे मेट्रो सिनेमा में फिल्म रिलीज़ करनी पड़ी जो 1500 की कैपेसिटी है सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इन दोज डेज आज के दौर में अगर मैं तमन्ना बनाती मुझे पता है कि सिर्फ मुझे क्रिटिकल अक्लेम नहीं मिलता मुझे नेशनल अवार्ड मिला था उस फिल्म के लिए बट आई एम श्योर दैट इट वुड इवन हैव गॉट द राइट ऑडियंस टू वॉच इट एंड वो एक मनी स्पिनर भी होता बिकॉज वो बहुत ही रेलिवेंट फिल्म है एंड आई थिंक आज के ऑडियंसिस भी तैयार हैं टू वॉच डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज़ तो इट्स एन एक्साइटिंग टाइम एंड आई फील कि ऐसे फेस्टिवल्स जो हैं उससे एक इलीट यू नो मेल्टिंग पॉट नहीं बन के रहना चाहिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आम आदमी जो है उनको लगता है कि इवन वी कैन गो देयर इवन वी कैन एक्सेस फिल्म मेकर्स और एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के साथ इंटरेक्ट करना ताकि दे कैन आस्क यू रेलिवेंट क्वेश्चंस यू नो सिर्फ आप अपनी फिल्मों के बारे में बात ना करें मगर वो फिल्म कैसे बनते हैं कितना मुश्किल होता है फाइनेंस रेज करना फॉर एग्जाम्पल टू रिलीज़ अ फिल्म दीज आर थिंग्स आई थिंक दैट इज़ इंपॉर्टेंट कि एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स ये आपके मुँह से सीधा सुने आपकी बात करें तो एज अ फिल्म मेकर आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का ज़्यादा बिजनेस करना या फिर ऑडियंस का एप्रिसिएशन देखिए मैं थोड़ी ग्रीडी हूँ मैं दोनों चाहती हूँ वाई वन और दी अदर तो मैं जो हूँ अपनी फिल्म को बहुत ही इकोनॉमिकली प्लान करती हूँ ताकि फिर कोई मुझे बता ना सके कि उस फिल्म में मुझे क्या डालना चाहिए मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि अपने ड्रीम्स को आप किसी और के एक्सपेंस पे बना के फिर वो पैसे लूज़ करें तो आई प्लान माई फिल्म वेरी इकोनॉमिकली मैंने मुकेश भट्ट और महेश भट्ट से सीखा एंड एक इकोनॉमिक मॉडल जो भट्ट ने परफेक्ट किया था मैं उसी को आगे ले जा रही हूँ विद मोर जील मोर पैशन एंड मोर इंटेग्रिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड आई फील कि जैसे मैंने कहा कि आज का दौर बहुत एक्साइटिंग टाइम है मैं बहुत ही प्रिविलेज हूँ कि जिसम 2 के बाद में आई हैव द चांस टू स्टार्ट मूवी जैसे मैं शगुफ्ता रफ़ी के साथ एक फिल्म बना रही हूँ उसकी डेब्यू फिल्म होगी उसके बाद में मैं सोनी राजदान के साथ फिल्म बना रही हूँ एंड देन आई मेकिंग फिल्म कॉल कैबरे तो तीनों फिल्म जो है कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है एंड यू कॉन्ट स्लॉट देम इन टू वन काइंड ऑफ कैटेगरी तो मैं वही करना चाहती हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू भाई कैमरा हो गया तो बोला